नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। बात कुछ दिन पहले की है, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि किस तरह से योगी के यूपी में बंगाल का फ्लाईओवर विकास की गंगा बहा रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही अपने विज्ञापन में पश्चिम बंगाल के फ्लाईओवर का इस्तेमाल किए, उसके बाद तो टीएमसी नेता लगे सीएम योगी की बखिया उधेड़। लेकिन कहते हैं राजनीति एक ऐसी लाइन है जहां राजनेता अपनी पहली गलती से सबक सीखने के बजाय दूसरी गलती कर बैठे हैं और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब तो इस दूसरी गलती में केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक शामिल है। पिछले कुछ सालों से जेवर एयरपोर्ट की चर्चा हर किसी के जुबान पर है, चाहे वो यूपी का रहने वाला हो या ना हो। इन्हीं चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नोएडा के जेवर में केंद्र और योगी सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसे जेवर एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। लेकिन इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह तस्वीर झूठी है, इस तस्वीर का जेवर एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब इसी तस्वीर को लेकर हमारी टीम जब पड़ताल करना शुरू की तो देखिए एक के बाद एक क्या क्या चीज़ें सामने आने लगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए। केशव प्रसाद मौर्य ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए बाकायदा एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक खूबसूरत बड़ी बिल्डिंग वाली तस्वीर नजर आ रही थी। उस तस्वीर को ड्रोन से लिया गया था, लेकिन बवाल बढ़ने के कुछ ही देर बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। जिस वीडियो को उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया था उसके कैप्शन में बाकायदा लिखा था, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने साथ 35,000 करोड़ रुपए का निवेश भी लाने जा रहा है। इससे 1,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और क्षेत्र में विकास की गति भी तेज होगी। अब क्षेत्र में विकास की गति तेज हो ना हो, लेकिन बीजेपी और योगी सरकार की कलाई जरूर खुल गई है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी इस बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर को जेवर एयरपोर्ट बताते हुए ट्विटर पर शेयर किया और बाकायदा लिखा, यूपी का जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। खैर, आप सुरेश खन्ना के ट्वीट को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने अभी डिलीट नहीं किया है। इसी ड्रोन व्यू वाली तस्वीर को बीजेपी के तमाम नेता जेवर एयरपोर्ट बता रहे हैं। सभी नेताओं की ट्वीट वाली तस्वीर कोलाज के रूप में आपके सामने है, जिसमें यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, प्रहलाद सिंह पटेल, अनुपमा देवी, माई गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट तक शामिल हैं। आखिरकार वायरल हो रही तस्वीर में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए हमारी टीम ने सर्च टूल का इस्तेमाल किया। बहुत छानबीन के बाद कुछ आर्टिकल नजर आए जिसके मुताबिक वायरल तस्वीर चीन के बीजिंग शहर में दाक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। लेकिन हमारी टीम इतने पर भी नहीं रुकी, उसके बाद कुछ और कीवर्ड्स सर्च किए जिसके बाद एक और मीडिया रिपोर्ट्स में यही देखने को मिला कि वायरल तस्वीर जेवर एयरपोर्ट का नहीं बल्कि ये तस्वीर बीजिंग का दाक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका डिज़ाइन स्टारफिश जैसा है। बता दें कि चीन सरकार ने बीजिंग दाक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है, आप कुछ तस्वीरों में उस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। और नेताओं के ट्वीट वाली तस्वीर से इस बीजिंग दाक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर को मिला भी सकते हैं। अब बीजेपी सरकार के इस झूठ पर तमाम विपक्षी नेता हमलावर हैं, उसी में से एक हैं अखिलेश यादव। बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, भाजपा के झूठे काम की हर तस्वीर उधार है, फिर झूठा दावा करने वालों की कैसे सोच ईमानदार है। हसीन रहमानी नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी इस तस्वीर को देखने के बाद लिखा कि ये तस्वीर बीजिंग एयरपोर्ट की है, मंत्री जी हमारी पड़ताल में ये साबित हुआ कि जिस तस्वीर को तमाम बीजेपी नेता जेवर एयरपोर्ट बता रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, इस तस्वीर का जेवर एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। जनता के सामने जिस तस्वीर को सीएम योगी और पीएम मोदी के मंत्री ने पेश किया है उसे सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया गया है। खैर, आपको यहाँ बता दें कि ये कोई पहली और दूसरी बार नहीं है,
जब इस तरह से दूसरे की संपत्ति को यूपी का विकास बताया गया है। हाईवे से लेकर पुल बांध की फर्जी तस्वीरें शेयर करते हुए कई बार देखे गए हैं। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के बांध को बुंदेलखंड का बांध बताकर प्रचारित किया गया था। आप अपने स्क्रीन पर बांध वाली तस्वीर को देख भी सकते हैं, जिसमें सीएम योगी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से और सच्चाई छिप नहीं सकती बनावटी वसूलों से। बस इसी बात को बीजेपी नेताओं को समझने की जरूरत है। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। गरीब हो या मध्यम वर्ग, किसान हो या व्यापारी, मजदूर हो या उद्यमी, हर किसी को इसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर कनेक्ट तरह की कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक जा सकते हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा कहीं भी जाना है तो थोड़ी सी देर में पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पहुंच सकते हैं। और अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी तैयार होने वाला है। उससे भी अनेकों शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यही नहीं, यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी होगी। एक तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा।